बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की जात का लाख लाख शुक्र कि उसने एक मरतबा फिर हमें वसीला बनाया कौम की एक बेटी को बचाने का, उसकी इज्जत बचाने का, उसकी जिंदगी बचाने का, उसकी इस्मत और इफ्फत बचाने का, उसे दर दर की ठोकरें खाने से बचाने का, उसे एक अड्डे से दूसरे अड्डे पर बिकने से बचाने का। परवरदिगार की जात का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। और अल्लाह ताला की जात ने किस तरह से मौजज़ाती तौर पर हमसे काम करवाया, मैं खुद भी शशदर हूँ, मैं खुद भी हैरान हूँ कि किस तरह से हम इस केस से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे मुस्तकिल तीन महीनों से। हालांकि ये शान रमजान में पहली बार एक्सक्लूसिवली दुआ ज़हरा के वालिदैन तशरीफ लाए थे और मैं उस दिन उस सेगमेंट में मौजूद नहीं था और बाद में भी मैंने इस हवाले से कोई बात नहीं की। मेरा ये ख्याल था, मेरा ये नजरिया था कि बच्ची अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से, पसंद की शादी के लिए अपने घर से गई है, जिस तरह के बहुत सारे केसेस में होता है। लेकिन फिर परवरदिगार की जात ने पै दर पै पर्दे हमारी आंखों से हटाना शुरू किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत इत्मीनान से, बहुत फखर से, बहुत तमानियत से, लेकिन बहुत आजजी से और बहुत इनकसारी से अल्लाह ताला की जात का शुक्र अदा करते हुए, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए, इंतजामिया का, इदारों का, पुलिस का, एजेंसीज का शुक्रिया अदा करते हुए ये खबर आप तक पहुंचा रहा हूं कि इस वक्त जब आप ये वीलॉग देख रहे हैं, दुआ ज़हरा अल्हम्दुलिल्लाह दारुल अमान में महफूज है और ज़हीर गैंग के हाथों से बच चुकी है। मैं फिर दोहराता हूं, दुआ ज़हरा इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के दारुल अमान में मौजूद है और ज़हीर गैंग के वहशी पंजों से आजाद हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र सद शुक्र परवरदिगार की जात का कि जिसने एक जान और जिंदगी बचाने का जरिया और वसीला बनाया हमें। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीर गैंग इस वक्त फरार हो चुका है, उसका कुछ अता पता नहीं है। ज़हीर ने मुल्तान के बेंच से, हाईकोर्ट बेंच से एक हिफाजती जमानत जरूर मंजूर करवा ली थी, लेकिन उसे 22 तारीख से पहले पहले कराची की ट्रायल कोर्ट में पेश होकर उस जमानत को कन्फर्म करवाना है, जो कि कन्फर्म होती दिखाई नहीं दे रही। और इंशाल्लाह मेरा ये यकीन है पाकिस्तान के निजाम इंसाफ पर कि अल्टीमेटली ज़हीर और उसका गैंग जेल की सलाखों के पीछे होगा। ज़हीर साहब जो शुरू से ही बड़ा एक टाइगर का रोल प्ले कर रहे थे, एक बहुत हीरोइक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, बड़ा मर्दानगी का मुजाहरा कर रहे थे सो कॉल्ड, लेकिन हमने देखा कि जब ये इंकशाफ हुआ कि ज़हीर साहब तो उस दिन कराची ही में मौजूद थे जिस दिन दुआ ज़हरा का अगवा हुआ, जैसा कि उसके बिल्कुल बरक्स बताया जा रहा था कि ज़हीर लाहौर में है और अल्टीमेटली ज़हरा, दुआ ज़हरा खुद ही कोई टैक्सी लेके यहां पहुंचे, सारी कहानी घड़ी गई थी। ये साबित हुआ कि ज़हीर दुआ ज़हरा की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, वो सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि दुआ तो खुद आ गई थी मेरे पास, यानी मेरे पल्ले पड़ गई तो मैं क्या कर सकता था, अब जब घर पे आई गई तो मैंने फिर वो किराया अदा किया। और अल्टीमेटली तो सारे का सारा ब्लेम इस मासूम बच्ची पर, इस मासूम गुड़िया पर शिफ्ट करना चाह रहा था। और अब भी यही हुआ कि अब खुद उसने दुआ ज़हरा को दारुल अमान के हवाले किया है, और शायद सिर्फ इसीलिए कि हमने इससे पहली वीडियो में इस बात का इंकशाफ किया था दुआ ज़हरा के कत्ल के हवाले से, उसको खुदकुशी का रंग दिए जाने के हवाले से, क्योंकि ज़हीर गैंग के कारिंदे ने हम पर यह इंकशाफात किए थे कि दुआ ज़हरा को कत्ल किए जाने का मंसूबा है और मंसूबा यह है कि कत्ल किए जाने के बाद उसे खुदकुशी का रंग दिया जाएगा। और बार बार दुआ ज़हरा से हर इंटरव्यू में इंसिस्ट करके, इसरार करके ये कहलवाया जाता है कि वो ये कहे कि अगर ज़हीर से मुझे अलग किया गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, अगर मुझे मेरे माँ बाप के हवाले किया गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। तो खुदकुशी 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 इतना दोहराया जाए कि लोगों के जहनों में ये बात बैठ जाए और दुआ ज़हरा को कुछ भी हो, चाहे उसे कत्ल करके खुदकुशी का रंग दिया जाए, लोग इस बात पर ईमान ले आए, यकीन रखे कि दुआ ज़हरा ने खुदकुशी की है। और खुदकुशी करने का जो वजह है वो उसके वालिदैन है, उस वालिदैन को विलन बना के पेश किया जाए और ज़हीर और उसका गैंग जो बच्चियों को इस तरह से बहला फुसला कर, बरगला कर, शादी का झांसा देकर बुलवाता है, अल्टीमेटली वो हमदर्दी हासिल कर सके कौम की। और बच्चियों को बुलाने के बाद आप सोचिए किस कदर खतरनाक है ये गैंग कि वो उनको जिस्म फरोशी के अड्डों पर फरोख करता है। लेकिन इनिशियली एक प्यार मोहब्बत का एक माहौल उस बच्ची के इर्द गिर्द क्रिएट किया जाता है, जो अनफॉर्चुनेटली दुआ ज़हरा के इर्द गिर्द भी क्रिएट किया गया। और वो शायद आज भी इस वक्त भी उसी जाम में है कि ज़हीर उसका मसीहा है, उसके माँ बाप उसके दुश्मन है, और यही बयान देकर वो दारुल अमान मुंतकिल हुई कि मेरी जान को खतरा है। लेकिन अगर ज़हीर गैंग उस बच्ची की जिम्मेदारी लेने को तैयार होता तो जहां इतना अरसा वो छुपते छुपाते आए हैं, क्या दुआ ज़हरा के लिए किसी घर में, किसी रिश्तेदार के पास, किसी दोस्त के घर में कोई महफूज जगह नहीं हो सकती थी? क्या तमाम रिश्तेदारों ने इस गैंग से लाताल्लुकी का इजहार कर लिया है? जी हाँ,
तमाम रिश्तेदार जो इस गैंग की हैसियत, औकात और असलियत जानते थे, उन्होंने अब जहीर और उसके गैंग से मुकम्मल तौर पर लातालुकी का इजहार कर लिया है। तमाम दोस्त अहबाब जो इस गैंग की हकीकत से या उनको शक था इस गैंग के ऊपर, उन्होंने भी जहीर और उसके गैंग से मुकम्मल तौर पर लातालुकी का इजहार कर लिया और इसीलिए वो अपनी मुबैना सो कॉल्ड एक तरह से जाली निकाह पर की गई बीवी को छोड़कर मफरूर हो गया है, भाग गया है। अब देखते हैं कि कोर्ट के सामने जब वो आता है तो उसके साथ इंशाल्लाह अजीज क्या हश्र होता है। यकीनन कानून उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाएगा। दुआ जहरा इस वक्त सेफ हाथों में है। हम पहले भी ये कहते आए हैं कि जरूरी नहीं है कि दुआ जहरा को हम उसके वालिदैन के हवाले करें, दुआ जहरा को सेफ कस्टडी में होना चाहिए, रियासत के हाथों में होना चाहिए और रियासत उसकी जिंदगी को महफूज बनाकर उसे उसके वालिदैन के हवाले करे। तो इंशाल्लाह अब ऐसा होने जा रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि 3 महीने पहले से हम अब तक इस मौजू पर बात नहीं कर रहे थे, लेकिन ईद पर हमने कोशिश की कि दुआ जहरा को और उसके वालिदैन को या कम से कम उसकी माँ को मिलवा दिया जाए ईद के मौके पर, और ऑफ कैमरा बगैर कैमरों के, बगैर किसी रेटिंग के, बगैर किसी लाइक्स के, बगैर किसी व्यूज के मैंने बार बार ये पैगाम पहुंचाया जहीर को, दुआ जहरा को, जहीर के गैंग को, जितने भी लोग उससे वाबस्ता थे, वो जो गैंग में शामिल एंकर्स थे उनके थ्रू भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गैंग नहीं चाहता था कि दुआ जहरा अपने वालिदैन को मिले। उसके बाद से मुझे ये हैरत हुई कि ऐसा कौन चाहेगा कि अल्टीमेटली पसंद की शादी आपने कर ली, डेफिनेटली उसका एंड यही होता है कि आप सुलह कीजिए, माँ बाप इन्वॉल्व हो और अल्टीमेटली इज्जत से इस मामले को खत्म किया जाए। तो अगर जहीर की तरफ से या उसके गैंग की तरफ से इस मामले पर हिचकिचाहट का इजहार किया जा रहा है तो इसका मतलब है यकीनन दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरे की पूरी दाल काली है। तो फिर हमने इस पर अपनी तहकीक का आगाज किया, मैंने अपना जहन बदलना शुरू किया और जब हमने अपनी तहकीक को नुकता अंजाम तक पहुंचाया तो हम पर यह इंकशाफ हुआ कि जहीर गैंग बच्चियों को बहला फुसला कर, वरगला कर, प्यार के सुहाने सपने दिखाकर, सब्ज बाग दिखाकर अगवा करता है और अगवा करके जिस्म फरोशी के अड्डों पर बेच देता है। इसलिए कि नॉर्मल केसेस में बच्चियों के माँ बाप बात नहीं करते, दुबक कर बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं, मुआशरे की इज्जत गैरत के सो कॉल्ड नजरियात की वजह से डर जाते हैं और बच्ची के पास कोई ऑप्शन नहीं होता उसके बाद घर से एक बार कदम निकालने के बाद कि वो वापस घर जाए, इसलिए कि उसे डर होता है कि उसका बाप उसको मार देगा, उसका भाई उसको मार देगा या फिर उसका चचा या ताया गैरत के नाम पर उसको कत्ल कर देंगे। तो अल्टीमेटली जिस्म फरोशी के जहन्नुम में दहकने और जलने और झुलसने के अलावा उस बच्ची के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, वापस घर वो जा नहीं सकती। तो इनिशियली ऐसे ही सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें की जाती है, यहां तक कि 90% केसेस में उन बच्चियों के साथ निकाह भी कर लिया जाता है और निकाह इसलिए किया जाता है कि एक लीगल कवर मौजूद होता है, कोई छापा पड़े, पुलिस आए तो जी ये तुम्हारी बहू है या ये तुम्हारी बेटी है तो जिस्म फरोशी थोड़ा ही करेगी। तो ये मैंने अपने 10 साल के करियर में दर्जनों वाकयात ऐसे देखे कि जहां पे जिस्म फरोशी के अड्डों से ऐसी ही बच्चियां बाजियाब होती है जिन्हें शादी का झांसा देकर अगवा किया जाता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ जहरा केस में अब मुझे लगता है कि हम सुरखरू हैं। हमारा जो मकसद था कि दुआ जहरा की जिंदगी बच जाए, हमारा जो मकसद था दुआ जहरा की इज्जत बच जाए, हमारा जो मकसद था कि दुआ जहरा जैसी प्यारी गुड़िया, प्यारी बेटी को जिस्म फरोशी के अड्डों पर बिकने के नतीजे में होने वाली तकलीफ से निजात दिलाई जा सके, परवरदिगार का लाख लाख शुक्र कि उसने 7 दिन में, यानी आज से 7 दिन पहले मैंने पहली बार दुआ जहरा के केस पर बात की, पहली बार मैंने दुआ जहरा के केस पर लफकुशाई की और अल्लाह ताला की जात इज्जत देने वाली है जो बहुत झुकी हुई पलकों के साथ, बहुत झुके हुए सर के साथ, आजी और इंतजारी के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें एक बार फिर कौम की एक बेटी को बचाने का वसीला बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबसे दरख्वास्त है कि दुआ कीजिए कि दुआ जहरा के वालिदैन के आंसू रायगा ना जाएं, दुआ जहरा अल्टीमेटली अपने माँ बाप के पास हो, बच्ची को जो गुस्सा है अपने माँ बाप पर, जो नफरत दिलाई गई है, जो जहर उसके अंदर डाला गया है वो दूर हो। दुआ जहरा के वालिदैन को देखने के बाद कोई भी जीशव आदमी ये नहीं कह सकता कि उन पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उनसे जो बातें मनसूब की जा रही है वो दुरुस्त होगी। और सबसे अहम बात ये कि सलाम है मेहदी काजमी साहब की जुर्रत को, उनकी हिम्मत को, उनकी वाइफ की हिम्मत को, उनके खानदान की हिम्मत को कि मुआशरे के टैबूज को तोड़ते हुए, मुआशरे की रिवायात को पाश पाश करते हुए उस शख्स ने स्टैंड दिया, वो शख्स खड़ा हुआ अपनी बेटी की इज्जत के लिए, अपनी बेटी की जिंदगी के लिए, इसलिए कि वो जानता था कि उसकी बेटी महफूज हाथों में नहीं है, इसलिए कि वो जानता था कि ये प्यार मोहब्बत की शादी की जो दास्तान और कहानी सुनाई जा रही है वो गलत कहानी है, वो फैब्रिकेटेड है। और उसने स्टैंड लिया, गैरत के नाम से डरा नहीं, इज्जत के नाम से डरा नहीं,
और अल्लाह ने आज उसको ज्यादा इज्जत दी है, परवरदिगार ने आज उसको सुरखरू किया है। अल्लाह ताला की जात जल्द ऐसा जरिया बनाए, ऐसे असबाब पैदा करे कि दुआ ज़ारा अपने वालिदैन के पास हो, वो नफरत उसके दिल से निकल जाए इंशाल्लाह अज़ीज़, और ज़हीर और उसका गैंग अपने अंजाम को पहुंचे। शुक्र के साथ, आप सबकी मोहब्बतों के शुक्रिया के साथ इस वीडियो से इजाजत चाहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।